हेलो ब्रो, और उसके साथ हमारी दूसरी दोस्त नस्फा, और हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ फिरोज खान भी हमारे साथ है। फिरोज भाई, हाउ आर यू बॉय? ऐसे ही बोलते हैं ना, व्हाट्स अप? और हमारे साथ दूसरी दोस्त सारा, खुद के लिए और आगे की आवाम से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। लाइट थोड़ी सी इधर कर दो, आगे की आवाम से मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। पर सबसे पहले मेरे साथ हमारे अजीज मेकअप आर्टिस्ट वसीम है, फिर ये जो हर जगह टपक जाता है आरबी, फिर यहाँ पर हमारे साथ ये आगे हमारे साथ जो जो है ये शक्ल छुपी है, ये हमारे एक नया दोस्त के बाहर से दोबारा दिखाओ, और पीछे आसिफ भाई एक खास शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो थोड़ी सी एक अच्छी मॉडल बन गई है अब तो, उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। अब हम यहाँ से उसके पास जाएंगे और पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? आइए चलते हैं। सारा आप मुझे बताएं, आप में इतना एटीट्यूड क्यों आ गया है? आप पहले इतना फुल चिल सीन होता था, अब इतना भरम, आपकी आंखें यूं ही चल रही है क्या? यार हम क्या, हम क्या बना रहे? अभी वैन में तभी ऐसी बातें करी, बाहर निकल के हूँ आप कौन कौन? आप माशाल्लाह नो डाउट लगते हैं फिरोज खान, तो आपको लोग इंटरेक्ट करते होंगे रास्ते में, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं आपके साथ? हाँ, इसने बोला था। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त यार, माशाल्लाह। क्या बात है, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दे, तननननदुम 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 तोड़ेंगे तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आप लोग हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, इतने सारे टैलेंट कहाँ भेजे हम सबको, इतने सारे टैलेंट। वेन्यू आ गया इतनी देर के बाद, गाइस वेन्यू आ गया। पत्थर उठा के यार ने हीरा बने
सरकार पंथ तने मेरे दिन में जलवर आए है लाल किनारे यहाँ पर कवाली का एंड हो चुका और ये सारे बहुत बेहद एंजॉय किया। हाँ देखें सच में आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, बस बोलने की जरूरत नहीं है बबन को। फिरोज भाई ये रे फिरोज भाई या ब्रो ब्रो प्लीज ब्रो हाँ जी यार इस बंदे के अभी से भारी हो गए ले आओ बाहर ले आओ हाथ थक गया मेरा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा बजाएं। सो थैंक यू कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। लोगों को बताते चलो मेरी आँख में आपका भाई आज बहुत नाचा, इतना नाचा कि पाँव दर्द हो गया और लेंस नीचे गिर गया। लेंस नेले के पीछे गया। मैं इस बंदे की आंख फोड़ने वाली हूँ, ठीक है? आप नेक्स्ट व्लॉग में आप इसको अंदा पाएंगे। अल्लाह ना करे। ये फालतू में टाइम चला रहा, बंदे का लेंस निकल के गिर गया, कह रहा आंख के पीछे चला गया। पता नहीं क्या होगा मेरा इस वक्त, मेरा दिल धक धक कर रहा है और मुझे नहीं मालूम मैं कभी भी बेहोश हो जाऊंगा। ये बंदा आपका दिमाग खो चुका है। दुआ करें आप लोग। पूरा व्लॉग एंड हो चुका है लेकिन अभी सुबह घर जाते हुए एक शॉट लेना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था रात में मेरी आँख में एक आँख में मैंने आपको जैसे ही बताया था मैंने आज लेंस लगाए थे तो मेरी एक आँख में लेंस फंस गया था तो ये अभी निकला ये पूरी गाड़ी में सब कह रहे थे कि यूसुफ गिर गया होगा, तुम आज बहुत डांस किया है, तुमने बहुत नाचा है तो वो गिर गया होगा। तो मैंने भी उनकी बात को मान लिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेंस मेरी आंख से अभी अभी खुद ब खुद ऐसे करके नीचे आया और वो ये रहा। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी लेंस पहनते हैं मुझ जैसे ऐसे ही तफरी में पहनने वाले वो एहतियात करें और किसी की बातों में ना आए। अगर आपको लगता है कि लेंस अंदर फंस गया है तो वाकई इसके बारे में कुछ हल निकाले, जैसे हमारे साथ हमारे प्रोफेशनल बैठे हुए थे वसीम। ये मुझे कब से ड्रॉप डाले लेंस के, ये मुझे कब से बेचारा कह रहा था कि यूसुफ ये लोग हंस रहे हैं अंदर फंस गए तो नहीं निकल के, मैंने कि नहीं ऊपर गया होगा ऐसे कभी भी नहीं निकल सकता। देखो यार ये मोहब्बत है वसीम भाई, आई लव यू यार, थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरी आंख बचा ली। अब मेरी आंख में सुकून सा मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।